बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्टिंग हम सीख रहे हैं। आपने किसी भी काम को, अपने काम को फाइनल करना होगा तो उसके लिए कॉर्नफ्लोर आपने तैयार करना है, थोड़ा सा गाढ़ा तैयार करना है। जो आपने पेपर मेकिंग के लिए तैयार किया था वो थोड़ा सा ज़्यादा लिक्विड था, ये ज़्यादा गाढ़ा है। तो इसमें हमने ये करना है कि इसको आप आराम से बगैर किसी फिकर के आपका पीछे काम ख़राब नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। आप सोच रहे होंगे कि कितनी मेहनत की है पीछे हमने काम तैयार किया, तो आपका हल्के से हल्का पेपर भी होगा ना वो ख़राब नहीं होगा। ये जो कॉर्नफ्लोर है ये बाइंडर है, ये किसी चीज़ को जोड़ने के काम आता है, समझे। ये गम है, नहीं ग्लू नहीं है उसमें। मैं नहीं करता लेकिन अच्छे काम किए जाते हैं, ये आपको सिखा रहा हूँ इसीलिए कि आपको कभी अच्छा काम करें। जैसे बड़ा पेपर है उसको आप फ्रेम करवाते हैं बगैर पेस्टिंग के तो पेपर लहराता रहता है फ्रेम में, तो आप छोटे पे काम सीखें, फिर जब बड़े पेपर की बारी आएगी तो फिर आप इजीली आप ये कर सकें। आपने पेपर के पीछे पेस्टिंग कर ये करना है, आपने बोर्ड के ऊपर नहीं करना, वरना बोर्ड मुड़ जाता है। कोई स्केल या स्क्रैपर टाइप की कोई चीज़ है, स्केल प्लास्टिक वाला देता है स्केल। खासतौर पर किनारों को आप बेहतर करें क्योंकि किनारे सही तरह से चिपकने चाहिए। ये हो गया, ये एहतियातें देख लें आप लोग, ठीक है। बोर्ड जाइए, बताएं। अभी आपका बोर्ड है, इसमें हम देखते हैं किस साइड पे पेस्ट करें। तो किसी भी साइड पे आप पेस्ट कर सकते हैं, दोनों साइड एक जैसे तकरीबन एक जैसे। अब आपको मेरा साथ देना होगा, फिर आप जैसे एक बंदा पेपर ऊपर से पकड़े रखेगा और आपने नीचे नहीं लगाना। जी सर, पहले आपने सेटिंग की। अगर आप पेंसिल से, जैसे किसी बोर्ड के बीच में लगाना है तो पेंसिल से पहले पूरा लगा लीजिए। अच्छा, ये किया, उसके बाद कोई ऐसा बिल्कुल शार्प वाला नहीं, इस किस्म का कोई गोल स्क्रैपर वगैरह हो। हाँ, प्रोटेक्टर, ये इसकी प्रोटेक्शन ही है, हो रही है। ऐसा हो गया, दो बंदे ही कर सकते। अब देखिए बल नहीं आया आपका पेपर बिल्कुल सही, तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे चिपकाएंगे तो फिर वो बल आ जाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप आप लेके चलेंगे, बहुत अच्छा सीधा पेस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इसमें बबल्स आ जाएं, दरमियान में रह जाए तो क्या करना है? आपने तो दोबारा से इसको उठा लेना, कोई मसला नहीं होगा, मैं करके दिखाऊं।
या फिर ये करते हैं ना, कोई बड़ा बबल आ गया ना, अब इसको यूँ कर दें आप, मतलब थोड़ा बहुत, फिर सूखेगा ये, सेट हो जाएगा, इस तरह कर लें, ठीक है, चिपक जाएगा। और अगर नहीं तो बिल्कुल बारीक सी कोई सिरिंज लें, उससे सुराख कर दें, अब इसकी हवा निकल आए, सही है, या सुई ऐसी पिन कर दें। अच्छा, ये तो हमने इसका बॉर्डर बना हुआ है, ये पेस्ट कर दिया, लेकिन उमूमन ये होता है कि जैसे हमने इस पर नक्काशी करनी, तो नक्काशी के लिए तो अलग पेपर होता है, तो हम यहाँ पर अलग पेपर पेस्ट करेंगे। नक्काशी उसी पेपर पे नहीं करते? करते हैं, अगर आपने जगह छोड़ी हुई है और आप चाहते हैं कि उसका कलर कॉम्बिनेशन वही रहे, तो आप उसी पेपर पे भी नक्काशी हो सकती है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। ये लिखाई होती है इसके साथ, कोई उससे मिलता जुलता कलर लेके उसके ऊपर, ताकि जिस पर से गोल्ड और जो नक्काशी के कलर्स हैं वो ज़्यादा उभरें, तो वो वाले कलर्स लगा दिए जाते हैं। अभी हमारी पेस्टिंग हो गई, तो अच्छा थोड़ी देर में क्या होगा कि ये, अभी तो बोर्ड आपको सीधा नज़र आ रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर में चूँकि गीला हो गया है, तो ये बोर्ड ऐसे मुड़ जाएगा, तो जब अच्छी तरह सूख जाए फिर आप इस पर भले से वेट रख लें, ताकि ये थोड़ा सीधा रहे। हाँ, ये कटिंग हो जाएगी। जब आपने कोई आर्ट पीस जैसे दरमियान में करना है ना, तो दरमियान में जो इसका साइज़ है जैसे, वो साइज़ आप ड्रॉ कर लें पेंसिल से, और फिर एग्जैक्ट उसी के ऊपर पेस्टिंग होगी। अब हमारे पास, हम चाहते हैं कि इसका अलग इसके ऊपर हम बॉर्डर पेस्ट करें। आपने अगर जैसे फ्रेम नहीं करवाना, कोई चीज़ डिस्प्ले करनी है, फ्रेम नहीं करवाना, तो इस तरह पेस्टिंग करके जो माउंट कार्ड होता है, यानी भारी ज़्यादा 150, 200, 300 ग्राम का कोई पेपर लें आप, शीट होती है ना बड़ी, वो लें आप डार्क कलर की, उसको कटिंग करके पेस्ट कर, तो आप वैसे लगा दें डिस्प्ले के लिए। अच्छा, ये दिखाइए पेपर। हाँ, अगर वो बॉर्डर चाहिए तो हम इसको बड़ा करें या हम इसको ऐसे ही दे दें? इसको ऐसे ही दे, इसको दे दें, वो खुद अलग से बॉर्डर इसके साथ, मतलब ऐसे ही बिल्कुल। हाँ बिल्कुल ऐसे ही दे। हाँ, इसको ज़रा इसकी हिफाजत के लिए, इसको ज़्यादा देर तक चलाने के लिए ये करते हैं, पेपर भी महफूज रहता है। करके दें तो अच्छी बात है, नहीं तो आप कोई मसला नहीं है, अगर आपका पेपर छोटा है तो आप बग़ैर पेस्टिंग के दे सकते हैं उसमें फिर, लेकिन बड़े पेपर में बल आते हैं, तो इस वजह से उसको, और उमूमन ये पेस्टिंग उस पेपर पर होती है जिस पर आपने नक्काशी करनी है या नक्काशी हुई हुई, क्योंकि नक्काशी के लिए पेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन तुर्की के खत्तात और आर्ट जितने भी हैं सब वो करते हैं, पेस्टिंग करते हैं। ये देखें यहाँ पर, अब ये जो बोर्ड है ना, ये आप लोग खुद भी बना सकते हैं, ये इसको हम कहते हैं वसली है। हाँ वसली, बहुत सारे पेपर्स को आप इसी तरह कॉर्नफ्लोर से पेस्ट करते जाएं, तो वो एक वसली बन जाएगी। नेचर के लिए हाँ बिल्कुल कर सकते हैं आप, तो आप अपनी नौयत को देखें कि आप क्या करना चाह रहे हैं, ज़्यादा हार्ड चाह रहे हैं उसको, जिस तरह मैंने बताया ना कि अच्छा हल्का पेपर होता है, छोटा होता है, तो आमतौर पर इस तरह कर दें, बड़ा पेपर होता है और शायद हार्ड शीट यूज़ करें, लेकिन इस तरह हो, थोड़ी सी फ्लेक्सीबल हो, ताकि अब हम मिसाल के तौर पर इसके साथ ये बॉर्डर कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो ये आपने पूरा साइज बैलेंस है आगे, इस तरफ से, इस तरफ से, एक दो
अच्छा यहाँ से 2.5 है। पेंसिल
ये पेपर, ये जो बोर्ड है ना, इसका मटेरियल ज़्यादा अच्छा नहीं। اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاءا بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد आप देखिएगा यहाँ ऐसी बात है, कुछ काम इसके लिए जो है ना, ये है कि वो नक्काशी पहले नहीं हुई हुई होती। अब देखें ये कलर हट रहा है ना साइडों पे, तो नक्काशी नहीं, नक्काशी बाद में करते हैं, पेस्टिंग पहले करते हैं। तो ये नक्काशी पहले हुई हुई है, ये गलत है पेस्टिंग। कुछ ना कुछ है होता है, लेकिन जो गलती हो रही है ना, इसका मतलब है कि आप सीख रहे हैं। तो जब आप नहीं, जिसपे सिर्फ नक्काशी करनी है वो पेपर कॉर्न फ्लोर की कोटिंग होती है। कभी आप लोग तो ये काम अच्छे से कर लें, तो खवातीन ये काम कर लें। हमारी खातीन को बिल्कुल शौक है। मैं कर रहा हूँ कि क्या बर्तन गंदे कर रहे हो, धोएगा कौन? ये हमारा मसला ये होता है, हम तो बस ले लेते हैं भाई, ये भी लो वो भी लो, किचन में जाओ वो, फिर जब तो बस आप भी भाई कोई भी अच्छी चीज़ बनाओ। मेरे साथ मुझे बोलते रहते हैं कितने बर्तन है, कितने बर्तन है, धोने भी मुझे है ना, तो आप क्यों झेल रहे हैं? इस चीज़ का शौक है ना, कितनी हम सोचते बर्तन है नहीं है। हस्बैंड के बर्थडे पे केक बना देते, पूरा दिन वो बोलते रहते हैं बाहर से लेती बाहर से लेती अपने जो हाथ पर बात है ना वो नहीं आ रही। आर्टिस्ट आदमी ऐसा होता है तो वो समेटता रहता है, जब आप साफ सुथरा रखना चाहेंगे ना फिर। और औरतें तो इस मामले में वैसे भी बड़ी साफ होती है, क्यों मिसमेजा? साफ
अच्छा ये जो वो है ना, अब हमने तो पीसेस किए, आप पूरा पेपर काटेंगे ताकि ये लाइन ना आए, समझ में आई? पूरा वो मेजरमेंट करके पेपर काटेंगे। नक्काशी वाला पेपर पेस्ट करेंगे पहले बोर्ड पे, जिस पे आपने नक्काशी करनी है वो पूरा पेपर पेस्ट करना है, सही है? उसके ऊपर अपना आर्ट पीस पेस्ट करना। अब वही बात है, यहाँ से बोलो सही आसान है, सही आसान है। नहीं वो आसान है, वो दूसरा तरीका था, वो आसान नहीं है, वो जो दूसरा तरीका है ऊपर चिपकाने वाला वो सही, लेकिन फिर आपका पेपर सही से पकड़ा चाहिए। देखिए हम लोग गोंद वगैरह ढूंढते रहते हैं, कौन सा नहीं आप खुले नहीं जाके किसी जनरल स्टोर से डब्बे वाला है, थोड़ा सा डालें, दो चम्मच डालें, आप देखेंगे कितनी हमारी पेस्ट। बहुत गाढ़ा हो जाता है, दो चम्मच में पानी डालना पड़ता है। कुछ और बना लें, चिप्स बना लें या कुछ और, थोड़ा सा चिकन भी डाल के सूप पी लें। सर नहीं कोई बात नहीं सर, एक सूप थोड़ा सा आया करना, दिमाग नहीं टाइम। मैं कहता हूँ ना कि भाई अंडा वंडा आप करना है, अंडे की जल्दियाँ रह जाती हैं, तो आप बिस्किट बनाएँ आप और भी बनाएँ। मेरी बेगम तो क्या करती है, वो इतनी जल्दियाँ निकाल लेती है, उसमें एक और अंडा डाल देती है, तो बच्चों को बना के लंच बॉक्स में। कितना सारा पैक नहीं है बच्चों को, लगा है बालों में, इसके लिए ना आपके हाथ वाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए। अच्छा जी, अब बारी आती है कटिंग की। सूखा नहीं है ना?
अभी ये दरअसल हार्ड है ना और काफ़ी थिक है। घबराना नहीं, ये हो जाएगा। सूख जाए ना उसके बाद फिर कटिंग। ये याद रखें सूखने की बात करें। हाँ ये इस पर भी कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इस पर आ जाती है, बाकी इस पर आ जाएगी भी हो सकता। अब आप आउट लाइन जो लगाएंगे ना इस पर लगाएंगे तो अच्छा लगेगा, उठेगा ब्लैक से जो आउट लाइन लगेगी वो इस पर लगेगी। ठीक है जी, ये आपका ये तैयार हो गया आर्ट पीस। अगर अब ये कलर ये डार्क है ये लाइट है, इस तरह नहीं, ये लाइट ये डार्क ये चलता है, इस तरह अच्छा लगता है आप देखेंगे। फिर गोल्डन कलर का फ्रेम आ जाए या ब्लैक कलर का फ्रेम आ जाए, फ्रेम ये गुलशन में एक है, मैं आपको भेज दूंगा वो पैरस, वरना जामा क्लॉथ जाए वहाँ पर वो मार्केट है पूरी, लेकिन आजकल बड़ी